What is ego? You are right. नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मैं हमेशा सही हूं. कोई बोलता है ना कि मैं तो बिल्कुल ही गलत हूं, मैं तो गया गुजरा हूं, वो भी ईगो है. ईगो हम किसको समझते हैं? मैं ये, मैं वो, मैं वो, वो एरोगेंस है. ईगो का मतलब क्या है? मैं ये हूं, तू वो है, ये ईगो है. जो मुझे तुझसे अलग करती है वो ईगो है. इसकी वजह से मैं सुबह से रात तक अपने आप को औरों से कंपेयर करता रहता हूं और उसे जेलस होता रहता हूं. हर एक की जड़ क्या है अगर ईगो नहीं है तो? मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूं बट कोई जरा सा मुझे कुछ बोले तो मुझे बुरा लग जाता है. ईगो नहीं तो और क्या है? Unless and until you see it as a fact, absolutely clearly, that this ego is an illusion, it's a myth. ये कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है. मैं ये हूं, ये कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है ये. जब ये देख लेते हो तो वहां से प्यार की शुरुआत हो जाती है. अब मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं. जहां पर मैं हूं ये, तू है वो, वहां पर प्यार कहां होगा? प्यार मोहब्बत की बातें होंगी. वो भी तब जब दोनों में से किसी एक को दूसरे से कुछ चाहिए होगा, तब वो बातें शुरू हो जाएंगी. जैसे वो मिल जाएगा उसके बाद में कोई और बातें शुरू हो जाएंगी. ऐसा होता है नहीं होता है? व्हाट इज ईगो? अब ये कैसे जाएगी? एक क्वेश्चन है जो अगर आपके अंदर एंटर कर जाता है, दैट इज हु एम आई. डीपली आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो, किसी और से नहीं कि हु आर यू. ज्यादातर लोग औरों से पूछते हैं हु आर यू. अब उसको छोड़, तू क्या है ना जी. आपके लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे, किसी से हो ही नहीं सकते. सारे लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है? ईगो. ईगो कैसे डिसॉल्व हो जाती है पूरी तरह से? जब आप इस सच को देख लेते हो कि मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क है ही नहीं. ये सच है. अपने आप को आप एक पेड़ आपको दिख रहा होता है उससे अलग समझ रहे होते हो, जबकि आपको इतना सा समझ नहीं आ रहा है रियलिटी के बेस पे कि अगर वो पेड़ आपको ऑक्सीजन नहीं देगा तो आप सांस कैसे लोगे? तो क्या आप और वो कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से? क्या उससे अलग होकर के आपकी कोई औकात है? आप क्या हो उसके बिना? इस सच को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? ये जो मैं है ना, मैं, ये ईगो है. मैं ये, मैं वो, मैं वो. अब आप चाहे मैं को ऊपर उठाओ चाहे नीचे गिराओ, दोनों ईगो है. सुबह से रात तक यहीं पे हम जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं. इससे जब आप बाहर निकलते हो तब आपको कुछ नजर आने लग जाता है, तब एक नई दुनिया का रास्ता आपके लिए खुल जाता है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है. हाँ, पर मैं और तू कहीं पर भी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देखोगे. कभी प्रैक्टिकली 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए बैठ करके यहाँ पे इस पर ध्यान लगाना, तो आपको समझ आएगा क्या है. ये जो दो उंगलियां है ना, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपकी बॉडी और ये बॉडी अलग अलग है. जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं तो कुछ देर बाद ये एक हो जाती है. यहां पे एनर्जी आपको फील होगी, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो करने लग जाएगी कि उंगलियां फील होनी आपको बंद हो जाएगी. यू विल नॉट बी एबल टू फील योर फिंगर्स, देयर बी ओनली एनर्जी. वो यहां है या वहां है आपको ये तक पता नहीं होगा, यहां वहां गायब हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी रह जाएगी. ये सिंबल है ये बताने का कि सब जुड़ा पड़ा है, सब एक है. Thank you so much.